इस समय मैं खड़ा हूँ कस्बा खीरी स्थित शाही किले के अंदर। आपको बताता चलो, हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर सालाना उर्स मनाया जा रहा है। ये 4 रोज़ा उर्स होगा। कल यहाँ के ऊपर धूमधाम से जश्न चरागा हुआ और उर्स का आगाज़ हुआ। आज उर्स का दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं कि हज़ारों लोगों का आने का यहाँ पर सिलसिला जारी है। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं। उनके रुकने का, ठहरने का माकूल इंतज़ाम किया जाता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ सब महिलाओं को रुकने का इंतज़ाम किया जाता है। महिलाएँ, पुरुष सभी लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ के ऊपर आते हैं और अल्लाह के यहाँ जलीलुल्कद्र वली आराम फरमा है, यहाँ के ऊपर आते हैं। और यहाँ से सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं, फैज़ का दरिया यहाँ के ऊपर जारी है। हज़ारों की तादाद में जो अकीदतमंद अपनी परेशानी लेके आते हैं, अल्लाह के ये वली उनको रुसवा नहीं करते, उनको उनके लिए फैज़ का दरिया यहाँ हमेशा जारी रहा। ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ इस शाही किले की, यहाँ पर इंसानियत की कदर की जाती है बिना किसी भेदभाव के। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्मों का यहाँ पर आदर किया जाता है। यहाँ के ऊपर किसी भी धर्म को लेके कोई जातिवाद नहीं है, यहाँ पर सभी धर्मों का पालन किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये शाही किला। यहाँ पर फैज़ का दरिया सैकड़ों वर्ष से जारी है। आपको बताता चलूँ, यहाँ के इस वक्त के साहिब सज्जादा हज़रत सैयद आतिफ अली शाह हैं जो पूरा यहाँ का निज़ाम देखते हैं। हज़ारों लोगों के जो रुकने का और ठहरने का माकूल इंतज़ाम उनके द्वारा किया जाता है। ख़ास बात है, खाने पीने को लेकर, रुकने को लेकर किसी किस्म के ज़ायरीन को कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। जो इस समय यहाँ पर साहिब सज्जादा हैं सैयद आतिफ अली शाह, उनसे पहले यहाँ के ऊपर उनके चचा सुल्तान सैयद आरिफ अली शाह यहाँ के सज्जादा नशीन थे। आप देख रहे हैं जो शाही किले का सौंदर्यीकरण किया गया है, ये उन्हीं के पीरियड में किया गया था। उनके गुजर जाने के बाद उनकी जो मज़ार बनाई गई है वो मझगवां शरीफ में मज़ार बनाई गई है। लेकिन यहाँ शाही किले का जो इंतज़ाम है, यहाँ के जो साहिब सज्जादा गद्दी नशीन है वो सैयद आतिफ अली शाह हैं, पूरा वो इंतज़ाम देखते हैं। आज यहाँ पर जो उर्स है, हज़रत सैयद हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का यहाँ पे आज उर्स है। हज़ारों के उनके चाहने वाले, एक बड़ी तादाद में सभी धर्मों के लोग यहाँ के ऊपर अकीदत से सर झुकाए हुए खड़े हुए हैं। और अल्लाह के वली की एक ख़ास बात है कि अल्लाह के वली के आस्थाने पर जो आता है उसके लिए यहाँ से फैज़ का दरिया कल भी रवा था, आज भी रवा है और ता कयामत रवा रहेगा। यहाँ के ऊपर मोहलिक मर्ज जिनको कहा जाता है, मोहलिक मर्ज जो कहीं नहीं ठीक हो रहे होते हैं, डॉक्टर जिनका इलाज करने से इनकार कर देता है, यहाँ पे वो मोहलिक मरस ठीक हो जाते हैं। अल्लाह के वली के आस्थाने पे जो सर झुकाता है, यहाँ पे जो जलील कद्र वली अल्लाह के आराम फरमाए, चाहे वो सैयद हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हो, चाहे वो हज़रत जलाली पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हो, इनके अलावा इस शाही किले में दीगर बहुत से अल्लाह के औलिया इकराम आराम फरमा है। जो समझ लीजिए हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब का एक नज़ारा है। यहाँ पे बड़ी तादाद में हर धर्म का लोग आते हैं और अकीदत के साथ यहाँ पे आते हैं। उनकी दिल की जायज़ तमन्ना यहाँ पर ज़रूर पूरी होते हैं। आप देख सकते हैं रुकने का, ठहरने का माकूल इंतज़ाम किया गया। कुल मिलाकर इस शाही किले की जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये शाही किला। यहाँ के ऊपर आने वाले हज़ारों की तादाद में, चाहे महिलाएँ हों, चाहे वो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे आए हों, यहाँ पे फैज़ पाते हैं। और अकीदत के साथ हर साल भी इस बार भी यहाँ पर उर्स मनाया जा रहा है। उर्स का आज दूसरा दिन है। कल यहाँ जश्न चरागा, धूमधाम जश्न चरागा से उर्स का आगाज़ हुआ था। आज हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स है। आज भी हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद यहाँ पर जो है आए हुए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, आपको पीछे का हिस्सा दिखाया जहाँ पर महिलाओं का, सभी अकीदतमंदों का, ज़ायरीनों का रुकने का माकूल इंतज़ाम किया गया। खाने पीने, रहने ठहरने की किसी किस्म की उनको दिक्कत नहीं होती है। हर साल की तरह धूमधाम से इस बार भी ये उर्स मनाया जा रहा है। इस उर्स के आपको मैं फिर बता दूँ, इस शाही किले के, इस पूरे किले के जो सज्जादा नशीन है हज़रत सैयद आतिफ अली शाह हैं, उन्हीं की देख रेख में ये पूरा उर्स सम्पन्न होता है। और हज़ारों अकीदतमंद देश विदेश से जो आते हैं, उनको रहने और ठहरने, खाने पीने की कोई किस्म की दिक्कत नहीं होती है। ये कस्बा खीरी, ये शाही किला कस्बा खीरी में स्थित है। कस्बा खीरी के अलावा दूर दराज से, यहाँ तक अभी मैंने आपसे बताया कि हिंदुस्तान के अलावा पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी हज़ारों की तादाद में यहाँ अकीदतमंद आते हैं। कल भी यहाँ फैज़ का दरिया अल्लाह के इन वलियों के आस्थाने से रवा था और आज भी रवा है। जीती जागती मिसाल आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में यहाँ अकीदतमंद आए हैं। और इस साल भी हर साल की तरह सालाना उर्स मनाया जा रहा है।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जैसा कि आप हजरात को पहले ही बताया जा चुका है कि कल से हाशिम पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक शुरू हो चुका है, जिसमें आज अभी बाद नमाज ईशा गागर व चादर मजार शरीफ पर पेश की गई और उसके बाद अब महफिल मिलाद शरीफ होने जा रही है और उसके बाद महफिल समा होगी और कल बाद नमाज फज्र कुरान खानी होगी और बाद नमाज ईशा महफिल मिलाद होगी, महफिल समा होगी और कल हज़रत सैदना हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का कुल शरीफ होगा। आप तमामी हजरात से मुअद्दमाना गुजारिश है कि कुल शरीफ की तकरीब में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन के मुस्तहक बने और दाखिल हसनात व बरकात हों। अस्सलामु अलैकुम। कल यहाँ के ऊपर जश्न चरागा से धूमधाम से उर्स का आगाज़ हुआ था। आज उर्स का दूसरा दिन है। पीछे हमारे ये अल्लाह के वली का मुकद्दस आस्ताना है, जहाँ से हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद आते हैं और यहाँ इस आस्ताने पर आने वालों के मुहलिक मरस तक ठीक हो जाया करते हैं। कल भी यहाँ फैज़ का दरिया जारी था, आज भी यहाँ फैज़ का दरिया जारी है। इस शाही किले पर हर साल आयोजित होने वाले सालाना उर्स की हमने आपको लगातार 2 दिवसीय कवरेज दिखाई। अगर आपको हमारी ये कवरेज अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें, ताकि हम इसी तरीके की दीन और दुनिया से जुड़ी खबरें आपको दिखाते रहें। मैं नवाज़ अहमद रिजवी, आप देख रहे थे नवाज़ गिरफ्तार।